ना आईसी गेट जैसे ही आप लिखेंगे गूगल पे जाने के बाद, तो आपको पहले से ही वैसे ही लॉगिन करना है, ठीक है। अब लॉगिन करते ही आपको यहाँ से क्या पेज हो रहा है, लॉगिन खुलना है तो सर्विस पे जाना है। सर्विस पे जाते ही आपकी ई पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ई पेमेंट का ऑप्शन आते ही कस्टम ड्यूटी पे आप यहाँ पे चले जाइए। उसके बाद क्या है, दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दूसरा पेज ओपन होते ही मैं इसलिए इसमें क्यों बता रहा हूँ, इसमें है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, आइज गेट ई पेमेंट। ये क्या, आप पेमेंट करोगे तब यहाँ से पूरी चीजें एज इट इज फिल करनी है। अदरवाइज क्या, हमें यहाँ पे क्या, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने अभी जो पेमेंट की है कस्टम ड्यूटी की आरटीजीएस के थ्रू ई मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, वो पेमेंट जो है कौन से कंडीशन में, वो पेमेंट सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है, पेमेंट पेंडिंग हो गई है क्या है अभी, क्योंकि आइस गेट में अपडेशन चल रहे हैं उसके कारण बहुत से सारी दिक्कतें आ रही है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपके कस्टम ड्यूटी का जो पेमेंट है किस तरीके से चेक करना है, बेसिकली जो है कस्टम ड्यूटी की पेमेंट का एक्स्ट्रा समय जानना है। तो इंक्वायरी पे हम चले जाएंगे। इंक्वायरी पे जाने के बाद क्या करना है आपको, इंक्वायरी पे आ जाएंगे, उसी तरीके से पूरी चीजें आप यहाँ को आपको फुलफिल कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी टाइप आई सी ई एस कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइप बी आ जाएगा, लोकेशन मेरा यहाँ पे सोनीपत है, तो मैं सोनीपत सोनीपत डाल दूंगा। सोनीपत डालने के बाद यहाँ पे क्या है, आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको अपनी आईसी कोड डालनी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डाल देना आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डाल देना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे कर देना कैप्चर फील कर देना है, जो यहाँ पे कैप्चर है, ठीक है। कैप्चर फील कर दिया है मैंने। कैप्चर फील करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ कर दूंगा सबमिट। ये देखिए पेज खुल रहा है यहाँ पे, क्या आप सबमिट कर दिए है। तो आप यहाँ पे देखिए आपका ये जो पहले वाला है, ठीक है, ये तो आपके आईसी के अगेंस्ट में कौन से लोकेशन पे कितनी कितनी चालान कितने चालान पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपका ये दो चालान मेरे क्या, एक्चुअली ये वाला चालान जो है मैंने यहाँ पे 958764 जो है ये मैंने अभी यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, ठीक है। ये चालान जो अभी पेंडिंग है, बट अभी क्या है आईसी गेट ने अभी उसको हटाया नहीं है, यानी अपनी साइड से उसको क्लियर नहीं किया है। उसके बाद यह मेरा दूसरा चालान है, नीचे वाला जो चालान है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये जो पेमेंट लिखा हुआ है, पेमेंट स्टेटस यहाँ पे क्या है सक्सेसफुल लिखा हुआ है, ये बैंक आरबीआई स्टेटस क्या है मैं आपको बताता हूँ। पेमेंट डेट आज मैंने यहाँ पे जो है 12 तारीख यानी 12 अप्रैल 2023 को 12:51 पे यानी 12:51 पे मैंने पेमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है मेरी ड्यूटी का अमाउंट, यहाँ पे क्या है ये मेरा ड्यूटी का अमाउंट आ गया। ये जो डेट है पेमेंट वाली, ये बेसिकली क्या है, मैंने जो ई मैंडेट फॉर्म जो मैंने डाउनलोड किया वो किया था मैंने 12:38 पे यानी 12:38 पे मैंने वो ई मैंडेट फॉर्म डाउनलोड किया था। ई मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करने के बाद वही चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है बैंक आरबीआई स्टेटस, यानी ई मैंडेट फॉर्म जो मैंने डाउनलोड किया वो क्या सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया, उसमें कोई भी एरर नहीं आया, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं हुई है। और 12:38 पे मैंने क्या किया वो फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पे जो पेमेंट डेट दिखा रहा है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने किस तरीके से पेमेंट करी, जैसे मैं अपनी लोकल पेमेंट करता हूँ, ठीक है, लोकल पेमेंट करता हूँ उसी तरीके से मैंने अपने अकाउंट में उसको ऐड किया। ऐड करते ही मैंने वो पेमेंट कर दी, तो वो क्या है वहाँ पे बहुत ही जल्दी हो गया, मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप भी क्या है अपने जैसे लोकल सप्लायर को आप पेमेंट करते हो उसी तरीके से क्या है आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ई मैंडेट फॉर्म जो है बेसिकली एक बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट में एक ही बार जनरेट होगा। जरूरी ये नहीं है कि आपने जो अकाउंट डिटेल अपनी फीड करी है, यानी मैं इस चालान के अगेंस्ट में जो मैंने ई मैंडेट फॉर्म चालान जो जनरेट किया उस पर जो क्या अकाउंट नंबर लिखा है, मैं हर बार जितनी बार ड्यूटी पेमेंट करूंगा तो मैं उसी अकाउंट में करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जितनी बार पेमेंट करूंगा जो मैं बिल ऑफ एंट्री सिलेक्ट करूंगा और उसी के अगेंस्ट में जो मैं ई मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करूंगा उसी के अगेंस्ट में वही उस पर जो अकाउंट्स की डिटेल होगी, ठीक है, वही डिटेल में क्या करूंगा फिल करके उसके अगेंस्ट में ड्यूटी की पेमेंट करूंगा। बेसिकली मैं बताऊं, आप जो ई मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करोगे वो बेसिकली वन टाइम के लिए होगा, ये नहीं कि आप रिपीट उसी अकाउंट नंबर पे आप कस्टम की ड्यूटी की पेमेंट करोगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कस्टम ड्यूटी जो है, ई मैंडेट फॉर्म जो है वो कब तक वैलिडेट होता है? आप दिन में पूरे दिन में कभी भी आप डाउनलोड करेंगे वो रात के 12 बजे तक ही वैलिड होता है, 24 घंटे वैलिड नहीं होता है। इसीलिए आपको जिस दिन जिस टाइम भी आप ई मैंडेट के थ्रू कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करना चाह रहे हैं तभी आप ई मैंडेट पे जाके ई मैंडेट फॉर्म जनरेट करें, अदरवाइज आप वहां से कोई भी छेड़खानी ना करें। जब तक क्या है वेबसाइट पूरी तरीके से वर्क में नहीं आ जाती, वर्किंग में नहीं आ जाती, इससे पहले उसमें कोई आप छेड़खानी ना करें। जब आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करनी हो तभी आप जाके ई मैंडेट फॉर्म वहां से जनरेट करें, ठीक है। तो ये था कि ई मैंडेट फॉर्म, और वहाँ पर ई मैंडेट फॉर्म में सबसे बड़ी बात है वन टाइम किस लिए होता है, क्योंकि उस पर क्या आपके बिल ऑफ एंट्री का जो है वो अमाउंट भी शो होने लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी बिल ऑफ एंट्री का जो अमाउंट है और जो मेरे ई मैंडेट फॉर्म पे जो अमाउंट है वो क्या है, एक्चुअल में दोनों है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा, पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो गया। दो तरीके, पहला तरीका तो ये था, मैं अभी आपको दूसरा तरीका बताऊंगा बिल ऑफ एंट्री ट्रैकिंग से, वहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी शिपमेंट की जो कंडीशन है कौन से कंडीशन में है और आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हुई है कि नहीं है। पहला तरीका आपने देख लिया, दूसरा तरीका ये मैं आपको बताता हूँ। आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल सा बीओई ट्रैकिंग। जैसे ही आप यहाँ बीओई ट्रैकिंग लिखेंगे तो आपका क्या है यहाँ पे पेज जो है खुल करके आ जाए, जो पहले वाला जो पेज है यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री एट ICES, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो पेज है ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बिल ऑफ एंट्री और सिलेक्ट लोकेशन, आपकी जो कस्टम स्टेशन है एयरपोर्ट है सीपोर्ट है ICT है, तो मेरा यहाँ पे ICT है तो मैं सोनीपत यहाँ पे लिख दूंगा सोनीपत। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका बिल ऑफ एंट्री की डेट नंबर लिखना है आपको, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ बिल ऑफ एंट्री का डेट, तो मेरी जो डेट है यहाँ पे 30 मार्च है, यहाँ पे कैप्चर फिल कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं कैप्चर फिल कर रहा हूँ, कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है सबमिट, ठीक है। जैसे ही आप आपको यहाँ पे कर देना सबमिट, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास इस तरीके की डिटेल खुल के आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कहीं इन ये सारे ऑप्शन लिखे बिल बीई डिटेल्स करंट स्टेटस पेमेंट डिटेल अदर एजेंसी अमेंडमेंट, तो आपका करंट स्टेटस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया करंट स्टेटस। आप यहाँ पे आप देखो कि आपका जो पेमेंट है वो हुआ है कि नहीं, तो ये जो है पेमेंट डेट, ये जो बेसिकली ये जो है यहाँ पे पेमेंट डेट, ठीक है। पेमेंट डेट जो है आपका यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो गया। पहला दूसरा तरीका जो था ये था। आप लोगों की को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक ले जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।